चार चिलम में चार धाम, एक चिलम में बाबा धाम। हम छत्तीसगढ़ बालोद। कुल 16 लोग आए हैं और हमारे साथी लोग आए आगे पीछे, ऐसे छत्तीसगढ़ से हम लोग तो 50 लोग आए होंगे। रास्ता तो मालूम नहीं, भोले बाबा की कृपा होगी बिल्कुल पहुंचेंगे, इतना विश्वास है मुझे। सावन में कांवर यात्रा अपना एक विशेष महत्व रखता है और इसको लेकर झारखंड में भी लाखों कांवरिया पहुंचते हैं, देवघर आते हैं सुल्तानगंज से जल लेकर और बाबा पे अर्पित करते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कांवरियों का जत्था है और इसमें एक छोटा कांवरिया, छोटा बोलबम, क्या नाम है बाबू? मिस्टर सूरज कुमार। तब इसको पैदल लेके जाएंगे 7 किलोमीटर? हाँ हाँ बम जी, पैदल लेके जाएंगे बम जी को। कहाँ से आए हैं आप लोग? आए हैं ऊपर से मगरदहा से, सोनभद्र जिला, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। सोनभद्र उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जी। अच्छा, बाबा में कितनी आस्था है, कितने बार आते हैं? बहुत आस्था है। ये पहली बार है देवघर या फिर हमेशा आते हैं? नहीं, हम लोग हमेशा आते हैं। 10 साल से। अच्छा, 10 साल से आप लोग आ रहे हैं? हाँ, 10 साल से बम जी। तो 10 साल में कुछ बदलाव नजर आया इस रास्ते पे? नहीं, सुविधा तो है बम जी। हाँ, सुविधा तो है, सुविधा है, सुविधा है। और छोटे बम, मजा आ रहा है जाने में? देख लीजिए, सावन के कांवर यात्रा का यही जो है बेहद सुखद तस्वीर होता है कि न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे और बड़े भी, बुजुर्ग भी कांवर यात्रा में जाते हैं और देवघर में बाबा को जलार्पण करते हैं। हम और आगे आगे और भी लोगों को आपको दिखवाते हैं। देखिए, ये पूरा रेला चल रहा है और ये रेला जो है ये सावन इस बार लगभग 2 महीने का है और ये रेला खत्म होने वाला नहीं है। लगातार 2 महीने इसी तरह से लोग जो है कांवर पथ पर चलेंगे और बाबा को जलार्पण करेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से हैं बम? यूपी से। यूपी से? हाँ। पहली बार है? नहीं, 12 साल हो गया मुझे। 12 साल हो गया? 12 साल। इतना अटूट आस्था बाबा से? सब ऊपर बाबा का महिमा है, बाबा का महिमा। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा, पहली बार आए मुंबई से। हाँ। बाबा के दर्शन करने। हाँ। बुलावा था, आ गए। व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। देखिए, तमाम भक्तगण हैं और ये सारे कांवरियाँ हैं और हालांकि दिन में धूप काफ़ी ज़्यादा रहती है लेकिन शाम में से जो लोग चलना चालू करते हैं वो इसी तरह से आपको कांवर पथ में दिखेंगे। और ये रेला जो है, ये भक्तों का जो रेला है, ये लगातार चलते रहता है। लाखों कांवरियाँ हर रोज़ जो है देवघर में जलार्पण करते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करें। कहाँ से बम जी? राजस्थान। राजस्थान से पहुँच गए हैं? बिल्कुल। तो बाबा के दरबार जा रहे हैं, क्या कुछ विशेष मन्नत लेके जा रहे हैं? जी। पहली बार है? पहला आया था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले। व्यवस्था कैसी है इस बार? व्यवस्था बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया है। आप क्या कहेंगे? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। देखिए कैसे कांवरिया है और सारे कांवरिया एक ही आपको ड्रेस में नजर आएंगे, इसी रंग के ड्रेस में जो है तमाम कांवरिया जो है देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा को जलार्पण कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। पहली बार है या बराबर आप? ये हमारे 5-6 बार है और साथी हम लोग जो आए हैं वो भी पहली बार आए हैं। कुछ कुछ लोग हमारे पूरा टोली आए हुए हैं। कुल कितने लोग आते हैं? हम लोग कुल 16 लोग आए हुए हैं और हमारे साथी लोग आए आगे पीछे, ऐसे छत्तीसगढ़ से हम लोग तो 50 लोग आए होंगे। सब ये हमें बताइए, बाबा में ये आस्था कहाँ से जगता है? आप लोग छत्तीसगढ़ से झारखंड पहुँच जाते हैं, देवघर पहुँच जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। ये आस्था है हमारे भोलेनाथ के ऊपर और हमारा कृपा है भगवान के ऊपर, जो हम लोग पैदल यात्रा के लिए भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। ये मेरा दिल और इच्छा से निकल पड़ते हैं। हाल ही के भी जाते जाते हमको कितना भी दुख दर्द तकलीफ हो, लेकिन और आने वाला समय में इच्छा जागीर होता है भोलेनाथ की कृपा से कि और जल चढ़ाने जाएंगे। पहली बार जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है मेरा। रास्ता 107 किलोमीटर का है, कैसे? रास्ता तो मालूम नहीं, भोले बाबा की कृपा होगी बिल्कुल पहुँचेंगे, इतना विश्वास है मुझे। व्यवस्था कैसी है इस बार? व्यवस्था ठीक है और हमारी 6वीं बार है, व्यवस्था ऐसी रहते हैं और इस बार तो ठीक ही है। चार चिलम में चार धाम, एक चिलम में बाबा धाम। हम छत्तीसगढ़ बालोद। बालोद छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से। देखिए, बाबा के भक्त पूरे झारखंड से नहीं, सिर्फ झारखंड से नहीं, देश के अलग अलग कोनों से पहुंच रहे हैं और बाबा के पास जलार्पण करने के लिए जा रहे हैं। कितनी आस्था है बाबा को लेकर? बाबा के ऊपर पूरी आस्था है हमारी। कितने साल से आ रहे हैं? ये हमारा 4th साल है। हर साल झारखंड आते हैं? हर साल आते हैं सावन के मेले में बाबा जी को जल चढ़ाने के। क्या कहेंगे बम जी? बोल बम। कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से जी। कैसा लगता है यहाँ आना? अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट अब आ रही हूँ। व्यवस्था कैसा है? अच्छा है। अच्छा व्यवस्था है जी। तो देखिए, यही है सुखद पल सावन का जो हम आपको दिखाना चाहते थे। झारखंड में एक ये भी सुखद तस्वीर लगातार 1 महीने तक नजर आता है देवघर में
और इस बार सावन विशेष है। सावन विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार सावन 2 महीने का है और इस 2 महीने के बीच में मलमास भी लगा हुआ है, जो शायद 19 सालों में पहली बार लगा है। और इसको देखते हुए, हालांकि अभी जो है मलमास में बिहार के जो लोग हैं वो बोलबम नहीं जा रहे हैं, देवघर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्रदेशों के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा को जलार्पण कर रहे हैं। बाकी लगातार हम देवघर से इस तरह कवरेज देते रहेंगे और तब तक के लिए लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। शुक्रिया। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची